आपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के स्वमूत्र पान के बारे में तो जरूर सुना होगा। हालांकि कई लोग इस बात को लेकर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन देसाई ने कभी इसकी परवाह नहीं की और पूरी उम्र इसका सेवन करते रहे। कुछ लोग इसे यूरिन थेरेपी कहते हैं, लेकिन इसे यूरोफेजिया कहा जाता है। लोगों का मानना है कि स्वमूत्र पान प्रतिरक्षा तंत्र को दोबारा स्थापित करता है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और त्वचा के लिए अच्छा होता है। लेकिन डॉक्टर्स इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक आम तौर पर माना जाता है कि पेशाब जीवाणु रहित होते हैं। हालांकि यह तब होता है जब आपके गुर्दे में कोई दिक्कत नहीं होती। जब यह शरीर से निकलते हैं तो यह जीवाणु से दूषित हो सकते हैं और आपके शरीर में जीवाणु आने से आप बीमार हो सकते हैं या फिर कुछ गंभीर शारीरिक जटिलताएं बन सकती हैं। संक्रमण के लक्षण को अगर अलग हटा दिया जाए तो यूरोफेजिया के शारीरिक लाभ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पेशाब करना वह क्रिया है जिसमें विषाक्त पदार्थ शरीर छोड़ता है। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ डालने से स्वास्थ्य को कोई फायदा होता है। हालांकि पेशाब की थोड़ी मात्रा पीने भर से स्वास्थ्य पर खतरनाक असर जरूर हो सकता है। जब आप मूत्र पीते हैं तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ को वापस शरीर में ले लेते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पेशाब की पूरी प्रक्रिया गुर्दे से होती है, जो खून में फिल्टर करती है और मिनरल के साथ साथ सॉल्ट और अन्य पदार्थों को निकालता है। एक स्वस्थ शरीर के पेशाब में 95% पानी और 5% अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन पदार्थ में पोटेशियम और नाइट्रोजन होते हैं और अगर यह आपके शरीर में अधिक हो तो आपके गुर्दे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। पोषण और आहार विशेषज्ञ भी मूत्र पीने को लेकर चेतावनी देते हैं।